चलिए आप पढ़ते बेटा। सबसे पहली बात तो हम लोग जो है इसमें एक आध क्वेश्चन करते हैं और ये क्वेश्चन कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा है, ठीक है। तो इस सवाल को देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसको सुनिएगा बेटा, ये आप लोग के काम का है। इससे बोलना तो नहीं आ रहा है, हाँ सुनिए। क्वेश्चन में एक डायग्राम है, इस डायग्राम को देखिए। क्वेश्चन में इस तरह का डायग्राम है बेटा, देखिएगा प्लीज। ये ए, ये बी और ये सी। कहता है एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फ्रेम। बेटा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका लेंथ एल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। अच्छा ठीक, एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फ्रेम इज सस्पेंडेड ऑन अ नेल। ये यहाँ पर की पर ऐसे करके आप जो दीवार में जो नेल होता है बेटा उससे टांग दिया। बोलता है ऑन हीटिंग, हम इसे जब गर्म करते हैं बेटा इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी रिमेन सेम। बेटा ये डी है और कहता है बी और डी के बीच का डिस्टेंस रिमेन सेम, यानी गर्म करते हैं ये रॉड एक्सपेंड होंगे लेकिन बी और डी के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है। बोलता है इस रॉड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा 2 है और इसमें अल्फा 1 और इसमें भी अल्फा 1 है। तो बोलता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा 1 एंड अल्फा 2, मतलब ऑन हीटिंग। ध्यान से सुनिएगा, ऑन हीटिंग द बीटी रिमेंस कांस्टेंट, बी से डी तक का डिस्टेंस द बीटी रिमेंस कांस्टेंट, यानी बेटा बी से डी तक का डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। तो हमें कह रहा है देन फाइंड ऐसा समझिए अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 हमें सॉल्व करना है। ऐसा समझिए अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 सॉल्व करना है। ये दो लग नहीं आ रहा, अब देखिए यहां पर बेटा इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। जब हम इसे गर्म करेंगे बेटा तो B और D का सेपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। पहले इस रॉड को देखो, गर्म करेंगे तो ये वाला रॉड ऐसे करके एंड यहाँ आ जाएगा, ये वाला एंड यहाँ आ जाएगा, बोलो क्लियर। और ये वाला गर्म होगा तो ये यहाँ से आने, ये कॉर्नर फैलना नहीं चाहिए इधर की तरफ, तो यानी ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे ज्वाइन कर देंगे। यानी बेटा ये लेंथ L1 और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, यानी यहां से यहां आ गया और ये रॉड भी फैल गया और ये भी फैल गया, लेकिन इसमें ये डिस्टेंस नहीं बदला। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं ये आधा पोर्शन ही कंसीडर करूं यहां से तक, तो ये L/2 है और ये L है। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं बेटा, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी BD का स्क्वायर प्लस और ये डिस्टेंस लिखूंगा L by 2 का स्क्वायर, दैट इज L स्क्वायर by 4 व्हिच इज इक्वल टू L स्क्वायर, ये डिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा BB का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा दो 1 में से 1 by 4 सबट्रैक्ट होगा तो कितना होगा 3 L स्क्वायर by 4। अब मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। अब हम यहां पर एक काम करते हैं, अब इस बड़े ट्रायंगल को देखते हैं। मान लीजिए यहां से यहां तक इसका लेंथ बदल गया, अभी मैं मान लेता हूं L डैश हो गया, ऐसा मानने में कोई बुराई नहीं है। या देखिए ना, हम लोग इस वैल्यू को लिख भी सकते हैं। अगर मुझे ये लेंथ लिखने को कहेगा यहां से यहां तक, सर बताइए जरा लेंथ कितना होगा, तो बोलेंगे देखिए बहुत ही सिंपल है, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इनिशियल लेंथ यहां से यहां तक रॉड का था L/2, अब यहां से अगर फाइनल लेंथ तो हम लोगों ने लिखा था L/2 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, याद आ रहा बेटा, याद आ रहा है कि फाइनल लेंथ, चेंजिंग लेंथ नहीं पूछ रहा हूं, फाइनल लेंथ पूछ रहा हूं, इनिशियल लेंथ ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा और ये फाइनल लेंथ होगा L ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा। अगर आप ध्यान से देखिए तो अब इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए जिसमें कि फिर से BD वही लेंथ है। अब BD का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये पाइथागोरस थ्योरम, तो फिर हम इस ट्रायंगल में, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी प्लस प्लस इसका स्क्वायर, तो L/2 मतलब L स्क्वायर / 4 1 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 है ना, अल्फा 2 डेल्टा थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू और फिर इसका स्क्वायर,
एल स्क्वायर वन प्लस अल्फा वन डेल्टा थीटा का, या इधर ही देता हूं, एल स्क्वायर वन प्लस अल्फा वन डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रहा है? अब एक काम करें, क्यों ना फर्स्ट इक्वेशन में बी डी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहां पर ये मिटा देता हूं, ये मिटा देता हूं, है ना। देखिएगा, अब देखिए यहां पर बी डी स्क्वायर की वैल्यू 3L² / 4, और हम लोग बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं कि अल्फा बहुत छोटा होता है तो 2 आगे ले आएंगे, 1 प्लस 2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा और इज इक्वल टू एल स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा 1 डेल्टा थीटा। बोलो समझ में आ रहा है यहां तक? और अब एक काम करते हैं, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, और अब यहां पर 3/4 एक काम करते हैं, अच्छा 4 का एलसीएम ले लें, यहां होगा 3 प्लस और ब्रैकेट खोल देते हैं 1 प्लस 2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा, सही लिख रहा हूं? और क्या ये 4 नीचे था ऊपर यहां चला जाएगा? 4 प्लस 2 अल्फा 1 डेल्टा थीटा, ऐसा करके मैंने लिख दिया। अगर आप ध्यान दीजिए, 3 प्लस 1 4 से 4 कैंसिल, कहां यहां 8 आएगा, यस, क्योंकि यहां 4 इधर भी मल्टीप्लाई हुआ ना, 4 बाय 4 प्लस 2 8। अब यहां 2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा इज इक्वल टू हो गया 8 अल्फा 1 डेल्टा थीटा, और हमारे पास डेल्टा थीटा कैंसिल एंड 2 4 जा 8, तो अल्फा 2 बराबर कितना आएगा? 4 अल्फा 1, अल्फा 2 बराबर 4 अल्फा 1, तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज 1/4। तो ये समझ में आया, तो हमारा आंसर होगा अल्फा 2 इक्वल टू 4 अल्फा 1, डी ऑप्शन। बोलो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं है यार, आसान था, कैसे बनाया आप सभी के सामने है। इन लोगों को बाहर से भगाया गया अंदर की तरफ। ठीक है बेटा, इसको लिख लीजिए, और अब हम लोग बात करते हैं केटीजी पर। और केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, जब तक मैं पूरा पढ़ा नहीं लूंगा तब तक कोई डाउट नहीं लूंगा। पहले मैं इसे केटीजी से कनेक्टेड है थर्मोडायनेमिक्स, अपनी तरफ से मैं क्वेश्चन कराऊंगा खूब सारा, आप लोग बनाते रहिएगा, बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा आपको। लेकिन पहले मैं केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स को पहले फिनिश कर लेता हूँ, ठीक है? और बीच बीच में मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से ही कराता रहूंगा, कंप्लीशन हो जाएगा फिर आप मॉड्यूल के डाउट पूछिएगा। मिटा दे इसे और जल्दी लिख लो। आइए अब हम लोग केटीजी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इसी तरह बनकर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो बेटा, आराम से सुनो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस शॉर्टकट में से बोलते हैं केटीजी। अब सुनिएगा ध्यान से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जैसे आपने केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ गैस पढ़ा था, तो आप इसे समझ लीजिए कि हम लोग केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ गैस का रिविजन आप करने बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो केटीजी में सबसे पहली बात तो हम लोग सुनिएगा बेटा प्लीज, केटीजी में हम लोग सबसे पहली बात तो गैस के बारे में पढ़ते हैं। भाई तुम्हारा हो गया, अब सुन लेना। केटीजी में हम लोग गैस के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम गैस के अंदर किसी एक पार्टिकल की स्पीड और काइनेटिक एनर्जी तक कैलकुलेट कर लेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली यही पढ़ना है कि कोई भी गैस हो, उसके किसी एक पार्टिकल
कि काइनेटिक एनर्जी और उसकी स्पीड कितनी होगी, वही हमें इसमें पढ़ना है। काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक का मतलब होता मोशन, यानी हमें गैस के एक पार्टिकल तक की हम काइनेटिक एनर्जी इसमें फाइंड करना सीखते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इसमें काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, और यहां पर थ्योरी में एक प्रिंसिपल है और उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करेंगे, उसके मोशन के बारे में जानेंगे, और वो थ्योरी हमें पढ़ना है इसके अंदर। सबसे पहली बात तो बेटा गैस, हम लोग जानते हैं जो गैस होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है रियल गैस और एक होता है आइडियल गैस, जिसे हम परफेक्ट गैस भी कहते हैं। आइडियल गैस का दूसरा नाम है परफेक्ट गैस। यहां पर बेटा आइडियल गैस और रियल गैस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनके बीच में अलग अलग जो बोलते हैं कि जो मेन डिफरेंस इनके बीच का, वो ये है कि रियल गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते रहते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फोर्स लगाते रहते हैं, किसी भी सेपरेशन पर होते हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि जैसे अगर मैं बोलूं कोई कंटेनर है, इसमें रियल गैस भरा, एक तो रियल गैस के मॉलिक्यूल की साइज बड़ी बड़ी रहते हैं, ये आपने पहले भी सुना है कि रियल गैस में मॉलिक्यूल की साइज क्या होती है बेटा, बड़ी बड़ी होती है। और यहाँ पर क्या होता है, साथ ही साथ ये जो मॉलिक्यूल होते हैं बेटा रियल गैस के, वो एक दूसरे का जो सेपरेशन होता है उस पर फोर्स एग्जर्ट करते रहते हैं, है ना, यानी दे एग्जर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एट एवरी सेपरेशन। बेटा बंद कर दो, पंखा बंद करो, अब चले गए यार, निकल जा बाहर, चले जा, बोल देना मैंने बोला। हाँ वो बोला ऑन कर दे, एहसान सब आराम से पढ़ो, आज इतना ज्यादा गर्मी नहीं लग रहा है कि तुम लोग थपेड़े मार रहे हैं, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, यहाँ लोग स्वेटर और जैकेट पहन के अभी तक आ रहे हैं, अच्छा आदत ही नहीं छुटा है लोगों की, आदत ही नहीं क्या है स्वेटर, अच्छा सुबह का आदत है ना स्वेटर जैकेट पहन लेने की, खैर अब कुछ लोग का बैग चेक कर रहे तो मफलर भी निकल आएगा, बंदर टोपी भी निकल आएगी, बस टोपी के नीचे आदत है ना, आज इंजेक्ट करवा लो तो गर्म मोजे निकल के आ जाएंगे, गर्म मोजे निकल के आ सही बेटा, खैर ध्यान दो इधर ध्यान दो, आदत क्या है सुबह सुबह स्वेटर में निकाल लग के है, चल खैर बेटा प्लीज, ओहो केटीजी में बेटा गैस के बारे में हमने बात करा, जिसमें मैंने आपको ये बोला भी कि रियल गैस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करते रहते हैं एट ऑल सेपरेशन, किसी भी सेपरेशन पे फोर्स एग्जर्ट करते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं रियल गैस। जबकि अगर हम बोलते हैं आइडियल गैस में बेटा मॉलिक्यूल एक दूसरे पर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करते हैं, यानी किसी सेपरेशन पर है तो कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स नहीं लगता है, बिल्कुल ये फ्रीली घूमता है, ये भी फ्रीली घूमता रहता है, मोशन करता रहता है, फ्रीली मोशन करता रहता है। अगर पूछा जाए कि ये दोनों फोर्स कब लगाएंगे सर, तो जब ये दोनों टकराते हैं रास्ते में, एक दूसरे के रास्ते में टकराएंगे तो ड्यूरिंग कोलिजन ही फोर्स लगाएंगे, अगर किसी सेपरेशन पर है तो कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर द बेसिक डिफरेंस रियल और परफेक्ट गैस यानी आइडियल गैस में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये बेटा कि रियल गैस कैन बी इजिली लिक्विफाइड बाय एक्सर्टिंग द प्रेशर, यानी बेटा रियल गैस को आप इजिली लिक्विफाई कर पाएंगे, गैस को लिक्विड में बदल पाएंगे प्रेशर एक्सर्ट करके, बट आइडियल गैस कैन नॉट बी इजिली लिक्विफाइड, आइडियल गैस आप इजिली लिक्विफाइड नहीं कर पाएंगे, प्रेशर आपको एक्सर्ट करके अगर आप लिक्विफाई करते हैं तो आप उसे आसानी से लिक्विफाई लिक्विड स्टेट में नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो हम लोगों से सवाल पूछा जाता है बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले चीजें समझनी है फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे, पहले चीजें कुछ समझनी है और उसको सुनते जाइए स्टेप बाय स्टेप करके। अब यहाँ पर बेटा हमसे ये पूछा जाता है कि कोई गैस कब रियल गैस बिहेवियर शो करेगा और कब परफेक्ट गैस बिहेवियर शो करेगा,
तो हम बोलेंगे चाचा बात नहीं करना, सुन लो, नहीं पढ़ना, शांत हो जाएगा। देखिए कोई गैस रियल गैस बिहेवियर कब शो करता है, तो हम बोलते हैं जब किसी गैस पर प्रेशर आप हाई कर दो और टेम्परेचर आप लो कर दो तो वो रियल गैस बिहेवियर शो करेगा। यानी आप प्रेशर हाई कर दे, अच्छा मैंने इसको कैसे समझा ये सुनो, मैं आपको बताता हूं कि पहले तो आपको बताता हूं कि रियल गैस कब शो होगा, कोई गैस रियल गैस की तरह बिहेव कब करता है, जब प्रेशर हाई एंड टेम्परेचर लो। और आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करेगा, जब प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई। बेसिक सी बात ये बेटा, मैंने इसको कैसे समझा वो मैं आपको शेयर करता हूं, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है यार रियल गैस बिहेवियर कब शो होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लो, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसको आप ऐसे समझो, क्या होता है कि जो रियल गैस होता है उसमें मॉलिक्यूल पास होते हैं, एक रेंज होता है जिसमें फोर्स लगा सके, यानी पास होते हैं। तो पास कैसे आएगा, जब हम ऊपर से प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, मॉलिक्यूल्स पास आएंगे और एक दूसरे के रेंज में आ जाएंगे तो फोर्स लगने लगेगा। तो हम बोलेंगे दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगने लगा तो हम बोलते हैं रियल गैस बिहेवियर। अब इसमें बेटा टेम्परेचर को स्लो करते, मतलब टेम्परेचर लो कर देते हैं, टेम्परेचर कम करने से मॉलिक्यूल की स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। मॉलिक्यूल की स्पीड जो होती है बेटा, पार्टिकल जिसे हम बोलेंगे फिजिक्स के अंदर पार्टिकल, पार्टिकल की स्पीड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर अगर लो होगा तो स्पीड कम होगी, तो क्या होता है एक दूसरे के रेंज में बहुत देर तक बने रहते हैं, और बहुत देर तक बने रहते हैं तो बोलते हैं कंटिन्यूअसली फोर्स इज एक्टिंग, कंटिन्यूअसली फोर्स इज एक्टिंग, सो दिस इज द रियल गैस बिहेवियर। तो रियल गैस बिहेवियर में सेपरेशन कम करना है और मोशन तेज ना हो इसलिए टेम्परेचर स्लो डाउन करना है। तो प्रेशर को बढ़ा दीजिए तो सेपरेशन कम हो जाएगा, और टेम्परेचर को कम कर दीजिए मोशन भी बहुत कम हो जाएगा, हर वक्त एक दूसरे के रेंज में होता है। आइडियल गैस के अंदर क्या होता है बेटा कि प्रेशर आप लो कर दीजिए, दैट इज मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूर दूर हो जाए, अब दूर दूर हो जाए तो भी फोर्स लगता है, हल्का फुल्का तो लगेगा। अब क्या होता है स्पीड बहुत तेज होता है, टेम्परेचर बहुत हाई करते हैं तो क्या होता है एक दूसरे के रेंज में बहुत ही छोटे से समय के लिए आते हैं, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आते हैं फिर निकल जाते हैं, तो वो छोटे से समय के लिए आते हैं दैट इज द नेग्लिजिबल, और ऐसा लगता है कि अब दूर निकल गए। इतना तेज तेज चलते रहते हैं ना कि एक दूसरे के रेंज में कभी कभी आ भी जाते हैं तो भी फोर्स नेग्लिजिबल, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ओवरऑल हम बोलते हैं फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो कोई भी गैस रियल गैस बिहेवियर कब करेगा तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, रियल गैस वो रियल गैस के लिए था। अब अगर आइडियल गैस बिहेवियर बोलेगा तो बोलेंगे लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई करोगे तो क्या होगा स्पीड बढ़ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो बेटा बहुत सिंपल तरीके से अब जो चीजें मैंने आपको कहा, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, मॉलिक्यूल्स ऑफ द रियल गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ द रियल गैस इंटरैक्ट विद ईच अदर, सही लिखा मैंने, इंटरैक्ट विद ईच अदर, विद ईच अदर and can be easily liquefied, and can be easily liquefied, और इसे हम easily liquefy कर सकते हैं, बोलो क्लियर। चल अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ द आइडियल गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ द आइडियल गैस डू नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर, डू नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते हैं, एंड कैन नॉट बी लिक्विफाइड, और इसे आप आसानी से लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट इजली लिक्विफाइड, बहुत आसान है। अच्छा बेटा एक गैस रियल गैस बिहेवियर कब शो करेगा, रियल गैस बिहेवियर कब शो होगा बताओ, प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर एंड अच्छा बताओ लो टेम्परेचर से फायदा स्पीड कम रहेगा ना, मोशन कम रहेगा, और प्रेशर हाई करने से फायदा पास पास हो जाएंगे, सेपरेशन बहुत कम हो जाएगा, क्लियर। तो रियल गैस बिहेवियर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर ऐसा होता है,
जबकि आइडियल गैस बिहेवियर कब होता है बेटा? आइडियल गैस बिहेवियर होगा, कोई गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, लो प्रेशर एंड हाँ हाई टेम्परेचर से फायदा बताओ, स्पीड कम हो तेज हो जाएगी ना, इंटरेक्शन टाइम घट जाएगा, हमें लगेगा कि हो ही नहीं रहा इंटरेक्ट, ऐसे एक दूसरे पे फोर्स लगाने वाला जो समय बहुत कम हो जाएगा, हम कहेंगे फोर्स ही नहीं लग रहा भाई। तो लो प्रेशर एंड और लो प्रेशर से सेपरेशन सेपरेशन का बढ़ जाता है, तो इसलिए यहां पर रियल गैस बिहेवियर और आइडियल गैस बिहेवियर के सवाल पूछे जाते हैं कि किस प्रेशर पर ये टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो ये सिंपल कंसेप्ट के साथ मैंने आपको समझाया, उस कंसेप्ट को याद रखना है। हाई टेम्परेचर होने से इसीलिए आइडियल गैस में ग्रेविटी का असर नहीं होता है, हाई टेम्परेचर होने पर इसीलिए कंटेनर में अगर कोई रहता है, एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एटमॉस्फेयर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं मैं, तो बात कर रहा हूं किसी कंटेनर में भरे आइडियल गैस की, कि अगर कोई कंटेनर में आइडियल गैस हम लेते हैं तो उस पर ग्रेविटी का असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने से उनकी आरएमएस स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है उस पर। बात समझ पा रही बेटा? मिटा दे इसे, मिटा दो। माइक तो है भाई, रायता बना हुआ था। सब लोग शांति। देखिए इधर मैं इधर हूं, मैं इधर हूं। अच्छा बेटा अब सुनिए ध्यान से, आइडियल गैस कुछ बेसिक लॉज ओबे करता है, आइडियल गैस फॉलो द सम बेसिक लॉज जिसे हम बोलते हैं, आपने भी सुना होगा। देखिए बेसिक लॉज ओबेड बाय द आइडियल गैस, ये बेटा बेसिक लॉज है जो कि आइडियल गैस के द्वारा ओबे किया गया है, उसे ही हम परफेक्ट गैस कहते हैं। व्हाट इज परफेक्ट गैस? तो हम बोलते हैं द गैस व्हिच ओबेड द बेसिक लॉज, That is called the perfect gas. हम उसे क्या बोलते हैं बेटा? Perfect gas. अब ध्यान दीजिए, please सुनिए ध्यान से। अरे छोड़ दे चाचा, बहुत हो गया। अच्छा देखिए, basic laws obeyed by the ideal gas. जैसे सबसे पहला आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा Boyle's law. Boyle's law ये सबने सुन रखा है। Boyle's law में सब लोग जानते हैं, जब गैस का टेम्परेचर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, ध्यान दीजिएगा, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट देन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर अ गिवन अमाउंट, यानी मोल शुड बी कांस्टेंट ना, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी बेटा टेम्परेचर जो है उसे मैंने कांस्टेंट रखा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखते हैं, देन प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, तो हम इसे बोलते हैं बॉयल्स लॉ, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन अमाउंट, अमाउंट भी कांस्टेंट होना चाहिए, यानी 2 ग्राम का गैस है तो 2 ही ग्राम होना चाहिए, गैस का अमाउंट भी नहीं बदलना है हम लोगों को मुंडी ऊपर रख के। और यहां पर बेटा पी और वी में रिलेशन का ग्राफ आप लोग जानते हैं, कैसा ग्राफ होगा बच्चों? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, पी के पैरेलल चलते हुए वी के पैरेलल चला गया, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। अगर इसमें मैं बोलूं वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ खींच के दिखाऊं तो बताओ कैसे खींचोगे? अगर मैं एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे वॉल्यूम ले लूं तो बताओ टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, अब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ऐसे होगा, यानी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टेम्परेचर वाला एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टेम्परेचर वाला एक्सिस, बहुत बढ़िया, ठीक है।
वो दोनों सो गई। बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हारे पापा को इतनी उम्मीदें हैं, मुझे मिलते हैं वो, तुमसे बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा को बहुत उम्मीदें हैं तुमसे, वो मिलते हैं आपके। और आप बताइए, बहुत सारी वर्टिकल आएगा, हवा वाला कूपन हो गया, टेम्परेचर फिक्स होना है, जोर से बोलो टेम्परेचर, कमाल करते हो, उसमें तो वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट हो जाता, क्या सोच रहे तुम, क्या करवाते, गलत करवा देते हैं, मिटा दे बेटा, मिटा दे, लक्ष्मी दीदी लिख रही है, शांति मिटाए, कहाँ है सृष्टि का बेटी है, अच्छा हाँ, अरे जल्दी लिखो बेटा, दूसरा बेटा देखिए, देखिए देखिए आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए, दूसरा है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ मुंडी ऊपर रख के बताओ, चार्ल्स लॉ क्या है कोई बताएगा मुझे, इसके क्या कॉन्स्टेंट रहता है, प्रेशर, फॉर अ गिवन अमाउंट, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, यानी किसी दिए हुए अमाउंट ऑफ गैस के लिए एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या होता है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर बताइए, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा ये कौन सा टेम्परेचर, केल्विन वाला, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, याद रखने वाली बात है, ये टेम्परेचर इन केल्विन, ये टेम्परेचर इन केल्विन है ना कि सेल्सियस वाला, ठीक है बेटा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जो कि केल्विन वाला टेम्परेचर है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा इसमें अगर मेरे को बी और टी का ग्राफ खींचना होगा, बताइए कैसा ग्राफ होगा, अगर मैं टी ले लूं और बताइए कैसा ग्राफ होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा ग्राफ है ये, प्लीज प्लीज शांत, तो ये ग्राफ होता है जिसे हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ, ये कौन कहता है ओरिजिन से पास नहीं करेगा, जल्दी बताओ, आनंद सर ने उसे सेल्सियस में लिया होगा, ध्यान से सुनिए, आनंद सर ने उधर सेल्सियस में लिया होगा, जैसे टेम्परेचर होता है केल्विन में, अगर मुझे इसे सेल्सियस में लिखना है तो 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो थीटा माइनस 273 उन्होंने लिखा होगा, और अब वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, तो वह बुद्धि या टेम्परेचर इन केल्विन लिखा हुआ है, मिटा दें प्लीज, ए शांति, अरे सृजन उतना पीछे जाके बात करेगी, आराम से मिटा दें, थर्ड बेटा देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट सुनिएगा, बताइए थर्ड पॉइंट क्या है, प्रेशर टेम्परेचर लॉ, प्रेशर टेम्परेचर लॉ प्लीज, जिसे हम कहते हैं गिब्स लॉ प्लीज, देखिएगा प्लीज, भैया बात कर रहा, बात कर रहा बिल्कुल, अच्छा बेटा इसमें क्या बोला गया है, क्या कॉन्स्टेंट होगा जल्दी बताइए, हाँ फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट कॉन्स्टेंट, हाँ एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यहाँ कॉन्स्टेंट क्या होगा वॉल्यूम, तो यहाँ पर बेटा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर में कौन सा टेम्परेचर स्केल लेंगे, केल्विन वाला, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर मुझे यहाँ पर फिर से टेम्परेचर और प्रेशर का ग्राफ रहेगा खींचने को, बड़े प्यार से ओरिजिन से पास कराएंगे,
बेटा है छोड़ दे रची सब से बेटा मिटाए कल मैंने तुम्हारे से छुट्टी ने खा ना हमें कितने दिन से ढूंढ रहा है कितने दिन तो तू दूसरी लेके आ जाता देखिए चलो बेटा एविगाड्रोस लॉ पढ़ते हैं ए? अच्छा कौन बताएगा एविगाड्रोस लॉ जल्दी बताओ एक मिनट जिसको पता हो रेज़ योर हैंड इस पूरे क्लास में देखो प्रॉपर्टीज ऑफ गैस सबने पढ़ रखा है अब मुझे बताएगा एविगाड्रोस लॉ क्या होता है बताओ जल्दी एक मिनट रेज़ योर हैंड तमीज से रेज़ योर हैंड यीशु बताएगा देखो यीशु पहली बार आ बताया बोल यीशु एक मिनट क्या बोल वॉल्यूम इक्वल क्या इक्वल एक मिनट उसे पूरा बोल लेते हो तो बैठ तू बता यस बैठ जाओ यानी सिंपल सी बात है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर भैया पूरा बोलना पड़ेगा यीशु ये आधा दूरा तुम बोल रहे थे एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉर नहीं देन साथ साथ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या फिर आप ये भी बोल सकते हैं इनका मतलब यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ मोल्स है इनका मतलब क्या बेटा नंबर ऑफ मोल्स एक मिनट जरा सुन लीजिए आप बहुत अच्छे लेखक हैं मैं जान चुका हूँ भाई आप बहुत अच्छा लिखते हैं एक मिनट जरा मुझे बोलने दीजिए आप या तो बोल सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या फिर बोल सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कैपिटल इन क्या बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक मिनट मुझे बोलने दो पहले सुनो लक्ष्मी दीदी वॉल्यूम अगर आपसे बोले एविगाड्रोस लॉ तो आप ये बोलते वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एन स्मॉल एन बोलेंगे तो नंबर ऑफ मोल या आप ये भी बोल सकते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल एन कैपिटल एन क्या बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये भी होता है एक ही बात है अरे भाई नंबर ऑफ मोल क्या होता है समझ तो आ रहा है ना नंबर ऑफ मोल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एविगाड्रो नंबर अरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एविगाड्रो नंबर एविगाड्रो नंबर इज ऑल्सो अनदर कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल शामिल हो जाएगा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अरे सही बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एविगाड्रो नंबर एविगाड्रो नंबर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी एविगाड्रो नंबर को मैं ए से लिख रहा हूं एविगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 × 10³ आ रहा समझ में पहुंचो बेटा छोड़ देखो इस पे भी डिस्कशन चलना होगा मॉलिक्यूल एविगाड्रो नंबर फिजिक्स वाले ने लिख दिया सही लिखा है ना फिजिक्स वालों को कैसे पता चल गया भाई बेटा दें देखो ईमानदारी से देखो बेटा पांचवा अच्छा आप लोग सभी लोग जानते होंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डाल्टन्स लॉ
पार्शियल प्रेशर। अब बताओ डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। हाँ एक मिनट कोई कुछ बोल रहा है, बोलो नितेश बोलो। जब किसी वेसल में नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस हो, दो से ज्यादा गैस हो जो कि नॉन रिएक्टिव है, दूसरे से मिलकर के कोई नया कंपाउंड नहीं बना रहे हैं, वैसे केस में वेसल की वॉल पर, जैसे ये वेसल है और ये इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ध्यान से सुनना बेटा, मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो यहाँ पर, और वो सारे गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त, क्या बोलते हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे तो क्या बोलते हैं भैया, पीछे जब कोने में बताना बेटा, तो बोला हाँ बोल, दिलीप के पीछे, दिलीप के पीछे बगल में, हाँ बोल बोल बेटा, ये दोनों रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बोल ही नहीं आया, करेंगे कि नहीं करेंगे, कौन ये दोनों, मतलब जितने मिक्सचर वाले गैसेस हैं पूरे नहीं करेंगे, हाँ हाँ रिएक्ट नहीं करेंगे, सब ठीक है ना, पढ़ने मन लग रहा है, बढ़िया है। अच्छा बेटा ये वेसल है, इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस है और वेसल के दीवार पर ये जो मिक्सचर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो जो टोटल प्रेशर ऑन द वॉल होगा, टोटल प्रेशर ऑन द वॉल, बोलो बेटा क्या होता है, टोटल प्रेशर ऑन द वॉल क्या होता है, इक्वल टू द सम ऑफ प्रेशर एग्जर्टेड बाय ईच गैस, सम ऑफ प्रेशर एग्जर्टेड बाय ईच गैस, यही ना होता है, हाँ एग्जर्टेड बाय ईच गैस, उसी को पार्शियल प्रेशर कहते हैं, यानी P इक्वल टू क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट डॉट। बिठाया जाए, शांत शांत भाई शांत, दिख रहा सब कुछ प्यार है, जल्दी जल्दी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा भाई, केडी जी और राजा थर्मोडायनेमिक्स मिला करके बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक आया था बेटा जरा देख लिया करो, कभी कभी देख लिया करो, नहीं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा मैं, फिजिक्स में पूछ रहा हूँ, इससे चार क्वेश्चन बता रहा केडी, ये तो बोल रही एक ही आया था केवल, अरे जे ही नहीं पूछ रहा, सब ठीक है ना, देखिए है, सुनो एक मिनट बेटा। अच्छा एक चीज और जो कि हम लोग को नहीं पूछा जाता है, जो कि हम लोग को पूछा ही नहीं जाता है, लेकिन बस ऐसी एक लाइन बोल देता हूँ, जब कभी आ जाए, मान लो बाई द वे आ जाए, तो कम से कम ये रहेगा कि हाँ सुना हुआ था, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं सर। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, देखो बेटा एक बात मैं बता दूं, मुझे डिफ्यूजन और इफ्यूजन में मेरा हाथ बहुत हल्का है, क्योंकि मुझे ये कुछ केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चक्कर होता है इसके अंदर, या तो वहां पढ़ते इफ्यूजन डिफ्यूजन। अच्छा बताइए क्या मैं सही बोल रहा हूँ, अगरबत्ती का जलना डिफ्यूजन है, सही बोला ना, जहां तक मेरी जानकारी थी कि अगरबत्ती का जलना इज अ डिफ्यूजर, और इसमें ये बोला गया है, अच्छा और किसी होल के थ्रू जब गैस इधर से उधर पास करता है डिफ्यूजन, यही होता है बस, इतना ही मुझे पता है, इसके आगे हम लोग को कहीं फिजिक्स में यूज नहीं पड़ता है। और यहाँ बोला गया, बस आप ये सुन लीजिए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन देख लीजिए जरा ध्यान से, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस, आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस, गैस की आरएमएस स्पीड, और गैस की आरएमएस स्पीड
ये मैं बताऊंगा आपको, टेंशन ना लो, आरएमएस स्पीड पढ़ना है, बस आपको ये याद रखना है कि रेट ऑफ डिवीजन जो स्मॉल आर से लिखा गया है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरएमएस स्पीड। अच्छा एक मिनट, आपको मैं आगे बताऊंगा कि आरएमएस स्पीड क्या चीज है। देखिए बेटा, आरएमएस स्पीड जो होता है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, अंडर रूट 3 आरटी अपॉन एम होता है। तो फॉर सेम टेंपरेचर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन। कैपिटल एम का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। जैसे दो गैस बोलेगा किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, तो हमें बोलना होगा सेम टेम्परेचर अगर है तो हम वहां पर देखेंगे किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा और कम है, ऐसे करके कंपेयर करते हैं। इसमें सवाल नहीं आता है, लेकिन एक बार बात करना होता है, हमने बोल दिया। और ये आप लोग अपना केमिस्ट्री और बायोलॉजी में यूज करते होंगे, कहीं ना कहीं देखते होंगे, केमिस्ट्री में करते हैं ना, हाँ जो भी है वहीं पे होता है सर आया था। मिटा दे, हाँ आराम से। आओ मिलके मिटाएं। भैया आराम से, अरे अरे आराम से, चलो बेटा। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस, इक्वेशन ऑफ स्टेट। अच्छा बेटा एक मिनट रुकिए, आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट, जरा प्लीज सुनिएगा ध्यान से। आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये हम बोलते हैं कि आता कहां से है, तो बोलते हैं बेसिक लॉस को मिला करके हम ये आइडियल गैस इक्वेशन लाते हैं। अब जैसे मैं आपसे बोलूं, बताना जरा ये कौन सा लॉ है, जल्दी बताओ, चार सौ। अच्छा ये कौन सा लॉ है जरा बताना, अच्छा ये कौन सा लॉ है जरा बताना। अच्छा कैपिटल एम क्या बताया, नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉल एम रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स। अब इन तीनों को मिला लो, क्या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n t अपॉन p हो जाएगा, और p उठा के इधर लाएंगे तो क्या p भी प्रोपोर्शनल टू n t होगा, और इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन लाएंगे तो क्या देंगे, के बी देंगे, क्या देंगे, के बी को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एक मिनट रुकिए, बहुत लोग की उम्मीदों पर पानी फिर गया, कुछ लोग सोच रहे थे आर होगा, जब यहाँ नंबर ऑफ मोल रहता है तब आर होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहता है तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.38 × 10⁻²। और एक बात बताता हूँ, एक मिनट एक मिनट आराम से धीरे से सुनना, प्रेशर इनटू वॉल्यूम के साथ में जूल होती है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम की मिला करके यूनिट होती है जूल, एनर्जी के बराबर है, कभी सुना वर्क बराबर पी इनटू वी, सुना सही है, ये जूल होता है, इसलिए जूल पर केल्विन इसका ऐसा यूनिट होता है मुंडी ऊपर रख के। तो आइडियल गैस इक्वेशन अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यूज किया जा रहा है तो PV इक्वल टू एन के वी टी, ठीक है, के वी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आराम से किशन जी, तो इसे तो आप शिकायत भी पढ़ेंगे, नहीं पहले इलेक्ट्रिक स्टैट और करंट वगैरह मॉडर्न रहता बन जाएगा, सब होगा, अरे भाई धैर्य रखो, सब होगा, सब पढ़ेंगे, मिटा दो बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा
मिटा रहा हूं। देखिए यहां पर बेटा एक बात समझिए, टीवी इक्वल टू एन के बी टी। अच्छा बेटा एक चीज और मैं बताता हूं, क्या आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा? तो अगर मैं यहां पर इस इक्वेशन में पीवी इक्वल टू एन के बी टी के जगह में एन इंटू एन ए लिख दू इंटू के बी इंटू टी लिख दू, ध्यान से सुनिए। तो यहां पर बेटा एवोगाड्रो नंबर इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इन दोनों कांस्टेंट को मिलाकर एक नया कांस्टेंट लिखा गया आर। तो इसीलिए स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल है, तो यहां लिखना है आर नंबर ऑफ मोल इंटू आर इंटू टी। तो पीवी बराबर होता है स्मॉल एन आर टी और पीवी बराबर होता है एन के बी टी। यानी आपको आइडियल गैस इक्वेशन दो याद रखने हैं, पीवी इक्वल टू एन आर टी और पीवी इक्वल टू एन के बी टी। क्लियर है? यहां पर आर को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस। हाँ, आर को हम लोग यही बोलते हैं, आर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू क्या होती है? इसको ऐसे एक मिनट इसको तुम ये वाला वैल्यू याद रखो, वो क्योंकि इरेशनल नंबर है, आप 25/3 याद कर लो। इससे क्या होगा, आपका काम बन जाएगा। बार बार क्या होता है कि 25/3 रखने से थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। हाँ, इसी को हम लोग 8.314 बोलते हैं, जूल पर मोल पर केल्विन। और यहाँ पर अगर प्रेशर को एटीएम और वॉल्यूम को लीटर में लिखते हैं तो 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, ऐसे करके पर मोल पर केल्विन। और अगर आपने इसे कैलोरी में लिखा तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। लेकिन आपको ज्यादातर यूज जो है वो ये वाला आएगा 25/3 8.314। आराम से कभी कभी ये पूछा जाता है बेटा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये सबको याद रखना चाहिए कि R बराबर मैंने Na into K लिखा है ना, Na into KB को मैंने क्या लिखा बेटा, R लिखा है। Na into KB की जगह पर मैंने R लिखा है। तो कभी भी गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में रिलेशन पूछे तो दिस इज द रिलेशन। देखो ना 6 × 6.022 × 10.23 और ये 1.38 × 10^1 है। देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, कितना होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू? 1.38 × 10^-20। सोचिए 10^-23 और इसका 10^23 कट दो और 6.022 में 1.38 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? देखिए देखो बेटा यहां पर बेटा बिल्कुल आराम से समझिए, आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ दिया है पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्लीज सुन लीजिए भाई 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 सुन। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये बेटा, रुक जाइए, इसके आगे एक थोड़ा सा कहानी है जिसे आपको समझना है ना। देखिए पहले ध्यान से, इसके आगे चूंकि हम लोग का मकसद है केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मतलब हमें किसी वेसल में भरे गैस के एक पार्टिकल की एनर्जी के बारे में बात करनी है, उसके मोशन के बारे में बात करनी है। यहां पर बेटा बहुत ध्यान से पहले मेरी बात सुन लीजिए पहले जो मैं बोल रहा हूं। यहां पर बेटा ये जो अजम्पशंस ऑफ केटीजी है, इस केटीजी में यानी आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ पहले से मानना पड़ेगा, हमें पहले से कुछ मानना पड़ेगा, तब जाकर के हम आगे की कहानी बढ़ा पाएंगे। कुछ बातें हैं जो जरूरी है आपसे बात करना,
कि अजम्पशंस यानी गैस को आगे पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए अजम्पशंस आपका जानना जरूरी है। अब देखिए ये अगर आप समझ गए तो आगे की चीजें आप बहुत इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, बहुत आराम से कनेक्ट कर लेंगे। हाँ अज्यूम तो यही करते थे और इसी पर बेस दिया, जल्दी खानी क्या क्या अज्यूम किया गया ये सुनिए। पहली बात बेटा, अगर आपको बार बार ऐसा बोले कि यार किसी वेसल में आइडियल गैस है, बार बार बोला जाएगा, न्यूमेरिकल बोला जाएगा, एक वेसल में आइडियल गैस है, आइडियल गैस भरा हुआ है। जब भी बोला जाए वेसल में आइडियल गैस भरा हुआ है तो पहली बात तो आइडियल गैस में जो पार्टिकल होते हैं बेटा मॉलिक्यूल, उसे हम एक पार्टिकल कहेंगे। उस पार्टिकल को आपको मानना है स्फीयर, स्मॉल स्फीयर, एक स्फीयर मानना जो कि न्यूट्रल होगा यानी नो चार्ज और इलास्टिक होगा। इलास्टिक का मतलब किसी भी चीज से टकराएगा, चाहे वो बॉल से टकराए या किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराए, तो कोलिजन इलास्टिक होगा। यानी आपको जब भी बोले आइडियल गैस बना तो आपको ये मान के चलना है कि छोटी छोटी गोलियां हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्फीयर्स हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्फीयर्स हैं बहुत सारे, और ऐसे करके इनमें कोई चार्ज नहीं है और स्फेरिकल शेप के हैं और इलास्टिक है, स्मॉल स्फीयर, न्यूट्रल एंड इलास्टिक, ऐसा बार बार मानना है। बोलो क्लियर, आराम से सुन लो पहले। तो क्या मानना क्लियर हुआ, जब भी बोले यार आइडियल है, बोले अच्छा और इस स्फीयर को इससे कोई मतलब नहीं है, कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंट, बहुत सारी छोटी छोटी गोलियां समझ लो, छोटी छोटी गोलियां उड़ रही है आसमान में, हवा में ऐसे करके वेसल के अंदर उड़ रही है, ऐसे से उड़ रही है, ठीक है। थर्माकोल होता है, थर्माकोल को आप जब बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा कर देते हो, छोटी छोटी गोलियां समझ लो, अब उड़ते रहते हैं, उड़ रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। लाइफ वैसे ही बिल्कुल फील करना, अगर इस नजरिए से देखोगे तो आपको हर चीज बहुत आसान लगने लगेगी। तो गैस जब भी बोले आइडियल गैस, आपको यही मानना है, क्लियर हो गया। यानी कि ईच पार्टिकल ऑफ द आइडियल गैस क्या मानना बेटा, पार्टिकल ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस will be spherical, neutral and elastic, clear हो गया, small sphere होगा, neutral and elastic, clear हो गया आपका। अच्छा दूसरी बात सुनिए, आराम से सुनिएगा, दूसरी बात बेटा सुनिए, पहले आराम से सुन लीजिए, जंक्शन चार छह सात, कुल मिला के छह से सात पॉइंट है, कंप्लीट हो जाता है, सुन लीजिए आसान है। अब दूसरी बात आपको क्या विचार करना है ये सुनिए, आपने ये देखा, अब इसमें क्या होता बेटा, कोई भी एक पर्टिकुलर स्फीयर देखो, ये छोटा सा स्फीयर, ये ना रैंडम मोशन करता रहता है, जिसे हम ब्राउनियन मोशन करते हैं कहते हैं, जिगजैग पाथ पे ऐसे चलता रहेगा, वो जो जिगजैग पाथ होता है बेटा उसे ब्राउनियन मोशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। अच्छा ये जो जिगजैग पाथ करता रहता है इसमें स्पीड कुछ भी हो सकता है, विद ऑल पॉसिबल स्पीड्स इन ऑल डायरेक्शन वो चल सकता है, यानी अ पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शंस विद ऑल पॉसिबल स्पीड्स इन ज़िगज़ैग पाथ, रैंडम मोशन इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, रैंडम मोशन। मजे की बात यह है कि ये जो रैंडम मोशन में जो स्पीड है बेटा वो टेम्परेचर की वजह से होता है, इसीलिए हम इसे थर्मल मोशन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, थर्मल मोशन, थर्मल स्पीड। अगर कोई स्पीड की बात कर रहा है तो उसे थर्मल स्पीड भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी स्पीड जो है वो टेम्परेचर की वजह से होती है। अगर कभी आपको क्वेश्चन में लिख दे कि कोई गैस जीरो केल्विन पर है, तो अगर जैसे बोलते हैं जीरो केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो, तो आपको ये मान लेना चाहिए उसी वक्त कि ये सब रुक गए, सब के सब रुक गए, जो जहां है वही अटक गया, यानी मोशन वहां पर सीज हो जाता है, मोशन बंद हो जाता है। टेम्परेचर जीरो केल्विन से वन केल्विन, टू केल्विन, थ्री केल्विन करते हैं तब ये पार्टिकल चलने लगते हैं। इसलिए बहुत क्लियर है कि इनमें जो रैंडम मोशन होता है वो स्पीड जो भी पाया जाता है वो टेम्परेचर की वजह से पाया जाता है, और ये ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन चलेगा, नहीं, कहीं भी जा सकता है विद ऑल पॉसिबल स्पीड्स, क्लियर हो। तो बोलते हैं पार्टिकल्स, पार्टिकल्स फटाफट लिखिए, पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव in all possible directions, to move in all possible directions, in all possible directions, possible directions with all possible speeds, with all possible speeds, with all possible speeds, in speeds को क्या बोलते हैं बेटा, thermal speed है ना, speeds,
मोशन कैसा होगा? ब्राउनियन मोशन होगा। यहां पर मोशन को हम क्या बोलेंगे? ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन होगा और इसमें पाथ जो होगा वो जिगजैग पाथ होगा। ब्राउनियन मोशन होगा, पाथ जो होगा वो जिगजैग होगा, जिगजैग पाथ होगा, याद रखना चाहिए। बेटा आराम से सब व्यर्थ है, आराम से सब व्यर्थ है, मिटा दूं, छोड़ देना, ऊपर मिटाओ। पढ़ रहा है वो भाई, इससे ये सिद्ध होता है कि वो पढ़ रहा है। बहुत अच्छा बेटा, मिटा दें। अरे पता नहीं क्या लिख रहे हैं, लक्ष्मी दीदी बहुत लिखती है, लिखती ही रहती है। देखिए बेटा, सुनिए, इधर सुनिए, इधर सुनिए, आराम से सुनिए मेरी बात। जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं उसे आप आराम से सुनिए। देखिए यहां पर मेरी बात सुनिएगा, यहां पर एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, रुकिएगा, यहां पर एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, जिन्होंने यहां पर अपने विचार प्रकट करे। उन्होंने अपने विचार क्या रखे जरा ये भी सुन लीजिए, कहीं पर बात हो जाए तो कम से कम ये रहेगा कि हाँ हमने सुना हुआ है, बिल्कुल आता है। मैक्सवेल ने अपने विचार ये रखे कि भैया अगर किसी वेसल में गैस भरा तो पार्टिकल्स आप देखते हैं, हाँ भाई पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो स्पीड होंगे बेटा वो सबके एक नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि इस कमरे में जो एयर है उसमें मान लो आइडियल गैस ही है, पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल है, जिगजैग मोशन कर रहे हैं। तो सभी पार्टिकल को अगर आप एक एक करके देखें तो सबकी स्पीड बेसिकली अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूं टेम्परेचर 300 केल्विन है तो सबके सब इक्वल स्पीड से चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैक्सवेल ने बोला कि भैया ऐसा नहीं होता है, सबकी स्पीड अलग अलग होती है। हाँ उनमें कुछ स्पीड कॉमन भी हो सकती है, जैसे इसमें 1 करोड़ पार्टिकल है मान लो, 1 करोड़ में मान लो 100 लोग ऐसे जिनकी स्पीड सेम है, 50 मीटर पर सेकंड मान लो एक आंकड़ा मैंने ले लिया कि 50 मीटर पर सेकंड एक पार्टिकल है 50, अरे उधर जो कोना में पड़ा उसका भी 50 था, उधर जो दीवार के पास था उसका भी 50 था, बीच में था उसका भी 50 था, ऐसे 100-200 पार्टिकल मैंने मान लिया। लेकिन ये 100-200 ही है लेकिन बाकी सब अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं। तो मैक्सवेल ने यहां पर ये कहा कि स्पीड ऑफ द ईच पार्टिकल विल बी डिफरेंट, कुछ के कॉमन हो सकते हैं, है ना। अगर मान लो 50 मीटर पर सेकंड कॉमन है बहुत लोगों में, जैसे 100-200 लोगों में, तो हम उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दिस स्पीड इज कॉल्ड द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मतलब जैसे अगर मैं इस कमरे को बंद करके और बाहर से हाथ ऐसे करके अंदर डालू और मॉलिक्यूल खींचू तो उसमें देखूंगा ज्यादातर स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है। मोस्ट प्रोबेबल, अधिकतम संभावित स्पीड, यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जैसे 50 मीटर पर सेकेंड। लेट अस सपोज जैसे आप बैठे हैं, आप बैठे तो हैं, मान लीजिए आप लोग की पॉकेट में जो पैसे हैं, मान लीजिए 100 रुपया एक ऐसा पैसा है, ऐसा रुपया है जो बहुत लोगों के पास है। हाँ किसी के पास? अरे आप लोग तो सोफिस्टिकेटेड है, अच्छा आप लोग तो भाई, अरे अरे मैं तो भूल ही गया, वो तो आप लोग एटीएम कार्ड होगा, गूगल पे होगा, फोन पे होगा, पेटीएम होगा, आप तो सोफिस्टिकेटेड है। मनोज तुम्हारे पास क्या, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड? मेरे पास गाय है। अरे यार तुम लोग मनोज तुम्हारे साथ इतनी बेइज्जती करते हो यार, किसी दिन वो गुस्सा हो गया ना बस अपनी गाय के सिंह से कुटवा देगा, ठीक है, बहुत ही तुम्हारा। अच्छा खैर, प्लीज प्लीज प्लीज, अच्छा खैर, यहां पर बेटा
मैक्सवेल ने एक ग्राफ प्लॉट किया जिसे हम बोलते हैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसमें इन्होंने सुनिएगा ध्यान से, मैक्सवेल के अकॉर्डिंगली, मैक्सवेल के अनुसार, प्लीज प्लीज, अरे प्लीज बोलता हूं, प्लीज तो सुनता ही नहीं है। देखिए मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, सुन लीजिए बेटा, ये कभी मान लीजिए थ्योरेटिकल सवाल आ गया, पता रहेगा तो बना लेंगे, डोंट वरी। यहां पर बेटा ये जो होता है बेटा, सुनिए प्लीज, देखिए सुनिए, इस ग्राफ को समझिए जरा, एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर आराम से अपना काम हो जाएगा आपका। यहां पर मैंने लिया स्पीड, एक्स एक्सिस पे लिया स्पीड और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम, ऐसे करके बात करते हैं। तो बहुत ज्यादा इसमें बहुत कुछ इसमें लग रहा है, अपन लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम वाला ऐसा समझ लेते हैं, इन यूनिट वॉल्यूम वाला ऐसा समझ लेते हैं, इस तरफ लिखा होगा, क्या होता है पर यूनिट टाइम होता है, एक ही टाइम पर बात होती है, पर यूनिट टाइम नहीं है, यह देखना ठीक से, नहीं थोड़े रुक जाएंगे, मुझे आप बोलिएगा, हम बोलेंगे तो ठीक रहेगा। अच्छा सुनिए, इधर सुनिए बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम, मान लीजिए जो वेसल है वो यूनिट वॉल्यूम का है, इतना ही मतलब है, उसमें हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। जो ग्राफ आया बेटा वैसा ग्राफ है, ध्यान सुनिएगा, इस ग्राफ को कहां से लाया, इसका इक्वेशन क्या है, क्या इसका पूरा कहानी वो नहीं पढ़ना, लेकिन आपको इस ग्राफ का आइडिया होना जरूरी है। और मजे की बात है बेटा, मेरी बात सुनिएगा प्लीज, जो सवाल आया है वही मैं बात कर रहा हूं। आप देखिएगा, सवाल बनाएंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें ये बोला गया है कि ये ग्राफ मैंने टी टेम्परेचर पे खींचा, मतलब मैंने गैस का टेम्परेचर टी रखा हुआ है, और तब मैंने देखा कि इस तरह से, देखिए इधर की तरफ स्पीड है, देखिए ये वो स्पीड है जो बहुत सारे पार्टिकल के द्वारा कैरी किया जा रहा है, देखिए ये वो स्पीड है, जैसे मान लीजिए 100 मीटर पर सेकंड, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत सारा आ रहा है ना, बहुत सारा, इसलिए से बोलते हैं बेटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब होता है कि वो स्पीड जो मैक्स बहुत सारे पार्टिकल के द्वारा कैरी किया जाता है, यानी वो स्पीड जो बहुत सारे पार्टिकल में होता है, उसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल इसलिए बोला गया क्योंकि जब मैक्सवेल ने देखा, किस विधि से देखा होगा, किस तरीके से देखा होगा वो भूल जाओ, बस सोचो हमने देखा, मैक्सवेल ने बाहर से देखा, अलग अलग पार्टिकल की स्पीड को देखा, उसमें देखा यार 100 मीटर पर सेकंड ऐसा है जो बहुत सारे पार्टिकल्स में मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यानी आप बंद करके आप खोलेंगे तो आपको 100 मीटर पर सेकंड बहुत सारे पार्टिकल में दिख जाएगा, इससे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल, प्रोबेबल मतलब संभावना, प्रोबेबिलिटी, वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये वाला। क्लियर हो गया यहां तक? अब यहां पर सुनिए क्वेश्चन क्या पूछा था, अगर ये टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो इस ग्राफ का क्या होगा, तो ये और ज्यादा एरिया कवर करेगा, अरे रुक जाओ पहले बता दे रहा हूं, एरिया पहले ज्यादा कवर करेगा। और जानते हो क्या होता है, अगर आपको मैं आगे बताऊंगा कि ये जो टेम्परेचर स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है, एक मिनट रुकिए, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते बेटा तो स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है, स्पीड क्या होता है बेटा, तो जैसे देखिए 100 मीटर पर सेकंड था, अब 200 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, आ रहा बात समझ में, तो ये जो चीज होती है वो ऐसे करके ऐसे, और ये थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाता है ऐसे, अरे यार अरे ऐसे ही होता है, नॉर्मल क्या कर दिया, ये पीक नीचे हो जाता है, रैंडमली थोड़ा जाती है क्या, इसलिए बात, एक मिनट रुक जाओ, पक्का जरा ग्राफ देखना, मॉडल में क्या दिया है, ऐसे दिया ऐसे, जरा एक बार चेक कर लो, सबका नीचे हो गया, तो ठीक है नीचे का बच्चे, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड नीचे हो गया। अगर ये मैं बोलूं T1 और ये बोलूं T2, तो T2 ग्रेटर देन T1, बेटा वाई एक्सिस पे पढ़ना क्या लिखा है जरा देख, पूरा पढ़ देना वाई एक्सिस पे, ये केमिस्ट्री दिया है, हां बस ये ग्राफ एक्चुअली एयर के ऊपर पूछा हुआ है, बेटा ये एक मिनट ये आपके केमिस्ट्री वाले में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स वाले में सवाल आया था ये ग्राफ वाला क्वेश्चन,
प्लीज इसको लिख लीजिए, ये बना लीजिए। ये आप लोगों को प्रॉपर्टीज और गैसेज में पढ़ाया गया था। सारी स्पीड पढ़ जाएगी, आर गैस बोस्ट का रेवरेज सब पढ़ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। शांत बेटा, शांत रहना। अब ये ग्राफ आपके सामने है, रट्टा मारो, रट्टा मारो। देखो, समझो भाई, समझो। मिटा दे। फोर्थ पॉइंट बेटा, जरा ध्यान से सुनना। अब देखो फोर्थ पॉइंट मिटाओ। अब ग्राफ बना लोगे, ये सब थ्योरी में थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन आ गया तो बना दोगे, देख लोगे सही ऑप्शन। चलो इसे याद कर जाना, ठीक। अब चलिए सुनिए, यहां पर बेटा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर फोर्थ पॉइंट ये बहुत ही सिंपल कहानी है। ऑल कोलिजन्स आर टेकन टू बी इलास्टिक, ऑल कोलिजन्स आर टेकन टू बी, हाँ सभी कोलिजन क्या लेना है बेटा, इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक। रुक जाओ, ध्यान से सुनना, पांचवी बार ध्यान देना बेटा। दो कोलिजन के, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम गैप होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम गैप होता है उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो वो जो टाइम होता है, वो कोलिजन का जो टाइम होता है वो बहुत ही छोटा होता है। कोलिजन का टाइम जो होता है क्या होता है, बहुत ही, किसके रिस्पेक्ट में, रिलैक्सेशन टाइम के रिस्पेक्ट में। दूसरी बात बेटा सुन लीजिए, इसी में ही क्या होता है, ये जो पार्टिकल होते हैं, रुक जाना प्लीज, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ, बता रहा हूं क्या कहानी पूछा है। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगा। अभी मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये जो पार्टिकल है बेटा, ये बाकी पार्टिकल सब रेस्ट में है, ऐसा मैं मान लेता हूं। अब ये यहां से ऐसे टकराने के बाद इधर गया, यहां से टकराने के बाद इधर गया, यहां से टकराने के बाद इधर गया, ऐसे करके बार बार टकरा रहा है। तो दो कोलिजन के बीच में एक तो टाइम गैप को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ये जो टाइम होगा, और कोलिजन का टाइम नेग्लिजिबल होगा, और ये टाइम रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं बेटा, फ्री पाथ, दिस इज कॉल्ड लैम्डा वन, और ये देखिए ये भी फ्री पाथ है, दिस इज कॉल्ड द लैम्डा टू, ठीक है। देखिए ये डिस्टेंस अलग अलग होगा, लैम्डा टू, हो सकता है कुछ कॉमन हो जाए, डोंट वरी, लैम्डा थ्री, लैम्डा फोर। तो लैम्डा वन लैम्डा से दिख दिया तो इसका मतलब घबरा मत जाना कि ये क्या होता है, डिस्टेंस तो एस से लिखा करते थे, कोई दिक्कत नहीं भाई, लैम्डा से लिखा था, लिखे ये फ्री पाथ है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। फिर ये डिस्टेंस, फ्री पाथ, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, लैम्डा फोर। तो यहां पर एक टर्म डिफाइन किया गया है, मीन फ्री पाथ। क्या डिफाइन किया गया है, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है, मीन फ्री पाथ का मतलब होता है इन सभी पाथ का जो एवरेज वैल्यू होगा, दैट इज उसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का होता है जैसे ये लैम्डा वन, लैम्डा टू, इन सभी पाथ को जोड़ दो अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन, अपॉन नंबर ऑफ, जैसे पहली बार कोलिजन हुआ लैम्डा वन डिस्टेंस, दूसरी बार कोलिजन हुआ लैम्डा टू डिस्टेंस, यानी पहला सक्सेसिव कोलिजन में लैम्डा वन, दूसरे सक्सेसिव कोलिजन में लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, जैसे 100 कोलिजन तक आप देखते हैं। तो सभी फ्री पाथ को जोड़ करके एन, स्मॉल एन क्या बेटा, नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन, कुछ लोग बोले नंबर ऑफ मोल्स, हमने तो स्मॉल एन को बोला ही था नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स। एक मिनट जस्ट सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। यहां पर बेटा इसको डिराइव करके जो मीन फ्री पाथ सॉल्व किया गया, वो हम लोग को डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन बार बार पूछा है फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है 1/√2πd² इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम से ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक मिनट बेटा सुन लीजिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ, जब भी पूछा जाए आपको याद होना चाहिए।
मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या है, बी क्या बेटा वॉल्यूम रूट टू पाई डी, डी इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल पार्टिकल स्फीयर होता है ना, इसमें बेटा यहां पर मीन फ्री पाथ देखिएगा ध्यान से, पहले तो इसमें वी को लिख देता हूं वॉल्यूम, वी को लिख देता हूं वॉल्यूम, एन को लिख देता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है भाई। फिर उसका डी का मतलब होता है बेटा डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, जो कि स्फेरिकल शेप का होता है ना, तो डायमीटर ऑफ वन मॉलिक्यूल। जैसे एक बार सवाल ऐसा आया बेटा, ये सवाल एम्स में तो डायरेक्ट पूछा था फॉर्मूला ही, और शायद नीट में उसे सॉल्व करवाने को पूछ दिया था, उसमें देखिए देखिए आराम से सुन लीजिए, मीन फ्री पाथ उसमें पूछा था कि डायमीटर पर कैसे डिपेंड करेगा, तो डी स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है ना, डी स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल। अच्छा एक चीज और रुकिए, इसको देखिए जरा ध्यान से, ये मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है, अगर आप थोड़ा सा इसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, क्या पीवी इक्वल टू एम के वी पी पढ़ा है हम लोगों ने, अगर मैं वी बाई एन का वैल्यू पूछूं तो वी बाई एन, एन उठा के इधर लाओ वी बाई एन, तो ये कितना होगा बेटा के वी टी अपॉन पी, के वी टी अपॉन पी। तो मीन फ्री पाथ अगर टेम्परेचर के टर्म्स में पूछा गया है, तो मीन फ्री पाथ का टेम्परेचर के टर्म्स में फॉर्मूला होता है वी बाई एन, क्या लिखेंगे के वी टी अपॉन पी, तो के वी टी अपॉन रूट टू पाई डी स्क्वायर इन टू प्रेशर, ये होता है टेम्परेचर के टर्म्स में फॉर्मूला, ये याद रखना पड़ेगा भाई, लिख लो दिख रहा नीचे। शांति शांति, हो गया लिख पड़े। अच्छा एक चीज और समझो बेटा, अगर कोई आपसे बोले सर मीन फ्री पाथ पढ़ी क्यों रहे हैं, क्या फायदा इससे, एक मिनट सुनो, मीन फ्री पाथ हमने पढ़ा क्यों पढ़ा, क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, ये सुनो कंसेप्ट बनेगा, और कंसेप्ट बनेगा तो आगे की बात भी समझ में आएगी। पहले सुनो, आप देख पा रहे हो क्या मीन फ्री पाथ यहाँ पे टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो मीन फ्री पाथ क्या होगा, बढ़ेगा। अब सुनो बेटा मीन फ्री पाथ का क्या मतलब है, ये सुनो, एक कंसेप्ट बनेगा जिससे आपका एक थिंकिंग लेवल बढ़ेगा, थॉट प्रोसेस होगा कि अच्छा ऐसा कुछ होता था। मीन फ्री पाथ हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि फायदा ये होता है कि हमें इससे ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि किसी वेसल में भरे गैस के पार्टिकल्स के बीच में ऑन एन एवरेज क्या सेपरेशन है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मीन फ्री पाथ आया लेट अस सपोज 1 सेंटीमीटर, तो हम ये कहेंगे कि सर किसी वेसल में जो गैस आइडियल गैस भरा है उसमें पार्टिकल्स के बीच का ऑन एन एवरेज सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, कोई भी दो कंजुगेटिव पास वाले पार्टिकल बिल्कुल जस्ट नियरेस्ट पार्टिकल वो 1 सेंटीमीटर पे होगा, ये एवरेज सेपरेशन है, वो 1 पर दिखाई नहीं देगा, वो कभी 0.5 पर होगा, कभी टकरा के 0 भी तो हो जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम बोलते 1 सेंटीमीटर है ऑन एन एवरेज। इसीलिए बेटा यहां पर मीन फ्री पाथ का मतलब ये होता है कि हमें इससे ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि किसी वेसल के अंदर भरे आइडियल गैस में पार्टिकल्स के बीच का ऑन एन एवरेज सेपरेशन क्या होगा। इसका मतलब थोड़ा और इसके आगे एक लेवल और मैं आपको सोचने पे मजबूर करूंगा, जरा ध्यान सुनिएगा, इससे यह पता चलता है कि अगर मैं देख रहा हूं कि गैस के पार्टिकल के बीच का सेपरेशन बार बार बदलेगा, टकराएगा फिर दूर जाएगा, फिर किसी दूसरे टकराएगा फिर दूर जाएगा, ये तो सेपरेशन बार बार वेरिएबल है। अगर मैं ऐसा मान लूं कि पार्टिकल नहीं चले और वही मीन फ्री पाथ 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में पार्टिकल को अरेंज कर ले, तो वो पूरा उतना ही वॉल्यूम कवर करेगा और उतना ही प्रेशर एग्जर्ट करेगा। यानी इसके आगे आप ये सोचिए कि अगर वो पार्टिकल सीज हो जाए, लेट अस सपोज, तो आप 1 सेंटीमीटर पे सेपरेशन रखिए तो उतना ही वॉल्यूम कवर करेगा, एग्जैक्टली उतना ही वॉल्यूम कवर करेगा, ये बार बार वेरी कर रहा है,
लेकिन आप 1-1 सेंटीमीटर पे हर कंजुगेटिव पार्टिकल जो नियरेस्ट वाले हैं वन से नीचे मत रखिए और वन से ज्यादा मत रखिए, तो सेम वॉल्यूम कवर कर लेगा जितना दिया हुआ है। बोलो समझ में आएगा? Yes, इसलिए बेटा जो गिवन टेंपरेचर पर जो मीन फ्री पाथ होता है वो हमें एवरेज सेपरेशन, एवरेज इसलिए बोल रहे क्योंकि सेपरेशन तो वेरिएबल है, इसलिए एवरेज नाम दिया जाता है, एवरेज सेपरेशन की जानकारी मिलती है। ओके अब जरा हां हां भाई एक एक सर टूट पड़े भाई बोलो, सेपरेशन मीन फ्री पाथ से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मीन फ्री पाथ से ज्यादा सेपरेशन हो सकता है। जैसे मैं 1, 2, 0.8, 0.9 ये इसका मैं एवरेज निकालता हूं। जैसे मान लो मेरी दिहाड़ी एक दिन मैंने कमाया 500, अगले दिन दिहाड़ी कमाया 1000 रुपए, किसी दिन कुछ नहीं कमाया और उसका एवरेज आया मान लो प्रतिदिन 800 रुपए, तो किसी एक दिन तो मैं 1000 रुपए भी तो कमा पा रहा हूँ। नहीं आया समझ में? क्लियर हो गया? चलो देखते हैं बेटा टाइम हो क्या? पढ़ो भाई, ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? अच्छा बेटा सुनिए, ये फिफ्थ पॉइंट था ना, अच्छा सुनिए सिक्स्थ पॉइंट सुनिए, एक मिनट, बहुत सिंपल है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का साइज वेसल के साइज के रिस्पेक्ट में नेगलिजिबल होगा। लिख लीजिए द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इन कंपैरिजन विद वॉल्यूम ऑफ वेसल वेसल के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल का साइज नेगलिजिबल होगा। प्लीज चाचा ज्यादा खुश मत हो, देखिए सुनो, क्या कोई ग्रेविटी का इफेक्ट होगा आइडियल गैस पर? नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। रुकना, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं लेना है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, होता तो होगा लेकिन नेगलिजिबल इफेक्ट है। सुनो ध्यान से, अब मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, अजम्पशंस क्या है ये जरूरी बात है इसके आगे। देखो यहां पर बेटा अगर कोई वेसल है और अगर आपसे बोले, रुको भाई रुको, सुन लो आराम से, अगर मान लो ये इवेक्यूएटेड है मतलब वैक्यूम है, खाली है बिल्कुल, कोई गैस वैस नहीं है, प्लीज जरा सुन लेना नाम से, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो समझ लो, अगर ये बिल्कुल इवेक्यूएटेड है मतलब क्या होता है, इवेक्यूएटेड क्या होता है बेटा? वैक्यूम है, खाली है। अब सुनना, यहां पर बोलेगा हमने गैस ऐसे करके यहां से भेज दिया, इस कॉर्नर के थ्रू मैंने गैस इंजेक्ट किया, ठीक है। जब तुम यहां गैस इंजेक्ट करोगे बेटा तो ये गैस का जो ये इसको बोलते हैं कि फ्री एक्सपेंशन बिहेवियर, गैस का ये बिहेवियर होता है कि अगर आप यहां से गैस को इंजेक्ट करते हैं तो वो गैस पूरे वॉल्यूम में अपने आप फैल जाएगा और इसके फैलने में कोई अपोज नहीं कर रहा है, पहले से कोई गैस नहीं भरा है कि आपने दूसरा गैस इंजेक्ट करा तो एक्सपेंड करने में अपोज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना, फ्री है, इवेक्यूएटेड है। तो इस समय जो गैस एक्सपेंड करता है दिस इज कॉल्ड द फ्री एक्सपेंशन, क्या बोलते हैं बच्चों इसे? फ्री एक्सपेंशन। और जानते हो बेटा फ्री एक्सपेंशन जब होता है तो गैस के टेम्परेचर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, गैस के टेम्परेचर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपसे बोले कि मैंने 300 केल्विन पर 1 मोल ऑफ गैस मैंने इंजेक्ट कर दिया, अब ये अपने आप पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ये गैस का बिहेवियर होता है कि गैस ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ द कंटेनर। इस प्रोसेस में जब तक वो एक्सपेंड कर रहा है तब तक उसके टेम्परेचर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द फ्री एक्सपेंशन। बोलो क्लियर? तो ये आपको याद रखना है कि फ्री एक्सपेंशन गैस का टेम्परेचर क्या रहेगा बेटा? कॉन्स्टेंट रहेगा। हाँ, गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम इतना हो जाएगा, अरे मेरी बात समझ में आ रही है, गैस का प्रेशर चेंज हो जाएगा लेकिन टेम्परेचर फिक्स रहेगा।
क्लियर हो गया? तो हम बोलते हैं गैस ऑक्यूपाइज ऑल द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, गैस ऑक्यूपाइज ऑल द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, ऑल द वॉल्यूम ऑफ द वेसल एंड इन फ्री एक्सपेंशन टेम्परेचर विल बी फिक्स्ड, इन फ्री एक्सपेंशन टेम्परेचर विल बी कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर विल बी कॉन्स्टेंट, ये याद रखना चाहिए बेटा, विल बी कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं इस इवेक्यूएटेड चैम्बर में, ये इवेक्यूएटेड चैम्बर में मैंने अगर गैस इंजेक्ट कर दिया तो आपको कभी भी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में, और यहां गैस इंजेक्टेड, यहां मैंने गैस इंजेक्ट किया है, तो इस गैस, इस केस में गैस पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा और साथ ही साथ इसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा। सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिससे कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी, अब इसको नहीं बताऊंगा, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डायरेक्ट यूज करूंगा इसका, आपको बस इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मिटाओ मिटाओ ऊपर मिटाओ, ठीक है, सुनो ध्यान से, बिल्कुल आराम से सुनो बेटा, सुनो ध्यान से, सुनो समझो, इसे समझो। अच्छा बेटा ध्यान से मेरी बात सुनना, ये एजम्पशन का लास्ट पॉइंट है, ठीक से समझ लो, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो हेडलाइन दूंगा उसमें इसका यूज आएगा। अजम्पशन कंप्लीट हो गया है, अब ये समझो कि केटीजी में कुछ बचा नहीं है, कल केटीजी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं केटीजी कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद मैं पहले लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि केटीजी और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन मिक्स आते हैं, इसलिए मैं पहले लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपके केटीजी और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन लूंगा। क्लियर हुआ ना? अब सुनिए ध्यान से, इसमें यह होता है बेटा, अगर किसी वेसल में आइडियल गैस भरा है, आइडियल गैस में पार्टिकल को क्या स्फीयर की तरह मानते हैं, स्मॉल स्फीयर्स मानते हैं ना। अच्छा बेटा और कोलिजंस क्या लिया गया, जल्दी बताओ। अच्छा एक चीज और बताओ, सुनो पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो और इधर ध्यान दो, चीजों को फील करो, एक थॉट प्रोसेस बनेगा, आगे आप इस्तेमाल करेंगे, जो भी चीजें पढ़ा रहे सब आगे के इस्तेमाल के लिए पढ़ा रहे। अब सुनिए, ये जो मॉलिक्यूल होते बेटा, ये जब आपस में भी टकराते हैं तो क्या वॉल से भी टकराएंगे ना, वॉल से भी टकराएंगे ना, तो क्या होता है बेटा, वॉल से जब टकराते हैं तो कोलिजन एक इलास्टिक, तो क्या होता है जैसे ही ऐसे टकराया और टकराने के बाद इलास्टिक कोलिजन है, जितने स्पीड से इधर गया उतने स्पीड से वैसे ही लौट जाएगा, वॉल तो फिक्स्ड है। तो हम बोलते हैं इस मॉलिक्यूल का लीनियर मोमेंटम चेंज हो गया, मोमेंटम पहले इधर था, मोमेंटम इधर हो गया, क्या मोमेंटम चेंज हुआ? यस, और मोमेंटम चेंज हुआ तो बोलते हैं फोर्स लगा, तो ये फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और जब फोर्स लगा तो हर जगह पर टकराएगा, गैस बहुत सारा पार्टिकल है, हर जगह टकराएगा, हर जगह फोर्स लगेगा, और यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगेगा उसे क्या बोलेंगे, प्रेशर, इसके यूनिट एरिया वॉल के यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता उसे क्या बोलते हैं बेटा, प्रेशर, यानी हम बोलेंगे ये गैस के पार्टिकल वॉल पर प्रेशर लगाएंगे, और ये जो प्रेशर लगाएंगे वो क्यों लगाएंगे, तो बोलेंगे कोलिजन होता है, कोलिजन में लीनियर मोमेंटम चेंज होता है और उस वजह से प्रेशर एग्जर्ट होता है। मजे की बात ये है कि वॉल कोई भी कंसीडर कर लो, चाहे ये वॉल, चाहे ये वॉल, चाहे ये वॉल, चाहे ये वॉल, ये वॉल, या कोई भी शेप ऑफ द कंटेनर कंसीडर कर लो, जैसे मैंने क्यूबिकल बनाया, कोई स्फेरिकल सिलेंडर, स्फेरिकल शेप का कंटेनर ले लेगा, कोई सिलिंड्रिकल शेप का वेसल ले लेगा, गैस उसमें भरेगा, तो प्रेशर एवरीवेयर विल बी सेम, यानी बेटा इस यूनिट एरिया पे फोर्स, या इधर के यूनिट एरिया पे फोर्स, या इधर यूनिट एरिया पर फोर्स होता है उसे प्रेशर बोलते हैं, इस वॉल पे प्रेशर, इस वॉल पे प्रेशर, इस वॉल पे प्रेशर, एवरी वॉल पे प्रेशर सेम होता है। इस कमरे में गैस भरा है, अगर मैं बोलूं ये छत पर प्रेशर जितना यहां लग रहा है उतना यहां लग रहा है, उतना यहां लग रहा है और उतना ही, क्या हर वॉल पे प्रेशर सेम है? यस। ऐसा मत समझ जाना कि प्रेशर जो है ऊपर वाले पे कम है, ये छत पे कम है, इस पे ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। कंटेनर में अगर गैस भरा है तो प्रेशर एवरी वॉल पर सेम होगा, तो हम बोलते हैं प्रेशर एट एवरी वॉल, प्रेशर एट एवरी वॉल, एवरी वॉल ऑफ द कंटेनर विल बी सेम, एवरी वॉल
ऑफ द कंटेनर विल बी सेम। कंटेनर के शेप पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना सर, कंटेनर का शेप बदल गया प्रेशर बदल जाएगा, नहीं मतलब प्रेशर सभी वॉल पे सेम रहेगा, जो भी है वो सेम रहेगा, शेप बदलने से ऐसा नहीं प्रेशर हर वॉल पे अलग अलग रहने लगेगा, वो ऑलवेज सेम रहेगा। फिर बोलो थोड़ा सा समझ में आया कॉन्सेप्ट, अजम्पशन कंप्लीट हुआ, कल इसके आगे कल कंप्लीट हो जाएगा पेडिग्री, ठीक है ना।